Very good morning students. Today I am going to tell you some more antonyms. As I told you in our in my earlier video कि मैं आपको कुछ और भी antonyms बताऊंगी. So let's uh, see some antonyms. First हमारा है dawn. Dawn means होता है सवेरा. जो सुबह का time होता है उसे हम dawn कहते हैं. और dusk इसका opposite होता है जिसका हिंदी meaning है संध्या. देन सेकेंड है आपका क्रिएट क्रिएट मीन्स होता है बनाना जैसे कोई चीज़ आप बना रहे हैं आपने क्रिएट की हैं और इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा यानी आपने उस चीज़ को नष्ट कर दिया है ख़त्म कर दिया है ओके okay? थर्ड हमारा है एक्जेल एक्जेल मीन्स होता है सांस छोड़ना और इनहेल इनहेल मीन्स होता है सांस लेना अब देखिए कभी, कभी जब कभी आपने एक्सरसाइज की होगी या आप कभी देखते हैं कि जो आ, हमारे जो ट्यू वो होते हैं जो एक्सरसाइज कराते हैं या फिर कभी इंस्ट्रक्शंस आपने सुने होंगे तो वो क्या कहते हैं कि इनहेल फर्स्ट इन्हेल कहते हैं ना कि पहले आप सांस लो दैन उसके बाद जो एक्सरसाइज कराते हैं फिर उसके बाद कहते हैं कि आप सांस छोड़ो इट मीन्स उसे कहते हैं एक्सहेल ओके फोर्थ आपका है डाउनवर्ड्स डाउनवर्ड्स होता है नीचे की ओर अब नीचे की ओर आना जो नीचे की ओर के लिए हम जो वर्ड यूज़ करेंगे उसे कहते हैं डाउनवर्ड्स फिर आपका है अपवर्ड्स अपवर्ड्स मीन्स होता है ऊपर की ओर ओके okay? जैसे ऊपर की ओर जाओ तो इसके लिए हम कहते हैं अपवर्ड्स अब आपका नंबर फिफ्थ हैवन हैवन मीन्स होता है स्वर्ग और हम कहते हैं जैसे इसका अपोज़िट क्या हो जाएगा हिंदी में हमें पता है नरक कहते हैं और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं हेल ओके डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए जूनियर जूनियर हम कहते हैं ना कि वो छोटा है ही इज़ जूनियर फ्रॉम यू वो आपसे जूनियर है या फिर uh, उस तो वो क्या होता है जूनियर का मतलब होता है छोटा अब वो कहते हैं हम कहते हैं ना वो तो सीनियर है आपसे ही इज़ सीनियर फ्रॉम यू तो ये क्या हो गया आपका वो कि वो पड़ा होता है एडमिट होता है एडमिट मतलब हम कहते हैं स्वीकार करना जैसे हम कहते हैं ना आई एडमिट माई मिस्टेक मैं एडमिट करता हूँ अपनी मिस्टेक को अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ और डिनाई मिंग्स क्या होता है मना करना कि मैं मना करता हूँ है ना आप देखिए मेल्ट मेल्ट आपको पता ही होगा जैसे आपने देखा है कि जैसे कभी हम आइसक्रीम होती है ना ज़्यादा गर्म हो जाते जैसे गर्मी होती है तो वो क्या हो जाती है हम क्या आप लोग भी यूज़ करते हैं इस वर्ड को कि आप अपने पेरेंट्स से भी कहते होंगे कि आइस कि मम्मा ये आइसक्रीम क्या हो गई है मेल्ट हो गई है मेल्ट का मतलब होता है पिघलना और इसके बाद जैसे हम कहते हैं ना कि फ़्रीज़ कर दो उसे जमा दो मैंने आइसक्रीम बनाई है आप क्या करो उसे फ्रीज कर दो यानी इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रीज यानी जम जाना मेल्ट का मतलब होता है पिघलना और फ्रीज का मतलब होता है जम जाना अब देखिए जाइंट जाइंट मीन्स होता है बहुत ही बड़ा विशाल ठीक है बहुत बड़ा कहेंगे या विशाल जाइंट व्हील कहते हैं ना आप लोग बहुत बड़ा वाला झूला उसे हम कहते हैं जाइंट व्हील फिर इसका जो अपोज़िट होता है वो होता है छोटा यानी टाइनी टाइनी मीन्स होता है छोटा ओके फॉर गिव मतलब क्या होता है क्षमा करना तो जैसे आप कहते हैं ना फॉर गिव प्लीज़ उसे क्षमा कर दो और इसका और अगर क्षमा का जो अपोज़िट होगा वो हो जाएगा दोष लगाना उसके ऊपर ब्लेम करना है ना हम कहते हैं प्लीज़ डोंट ब्लेम हिम उसे डोंट ब्लेम मत करो उसके ऊपर दोष मत लगाओ इलेवन देखिए पोलाइट पोलाइट का मतलब क्या होता है विनम्र वो क्या है वो बहुत ही पोलाइट है हम कहते हैं शी इज़ वेरी पोलाइट वो बहुत ही विनम्र है रूड मीन्स होता है आप उसका अपोजिट होता है रूड और जिसका मतलब होता है अपशिष्ट है ना जिसे यानी वो वो क्या है बहुत ही आ, मतलब अच्छा नहीं है उसका नेचर बहुत बेकार है तो उसके लिए हम रूड कहते हैं बहुत ही कठोर है वो अपशिष्ट है ट्वेल्व हमारा है बिटर बिटर मीन्स होता है ना कड़वा कि बहुत ज़्यादा कड़वा है और उसका अपोजिट आपको सबको पता ही है मीठा जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्वीट फिर अब देखिए अवेक अवेक मीन्स क्या होता है जगा हुआ या जागना और उसके बाद उसका क्या हो जाएगा इसका अंतरियम वो हो जाएगा असलीप असलीप मतलब सोया हुआ फिर है आपका डेलीब्रेट डेलीब्रेट मतलब होता है विचार पूर्वक है ना हम विचार किसी भी करते हैं तो ऐसे डेलिब्रेटली करो मतलब कहते हैं पूर्वक देखो इस चीज़ों को और हेस्टी मतलब जल्दीबाजी में जल जल्द, मतलब जल्दीबाजी में कोई चीज़ को किसी चीज़ का डिसीजन लेना या कोई चीज़ जल्दीबाजी में करना उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं क्या हेस्टी तो ये क्या हो गया डिलिबरेट का अपोजिट हमारा हो, हो गया हेस्टी फिर आपका है जामिन जैमिन मीन्स होता है भूत या दानव ओके उसका जो अपोजिट हो जाएगा वो होती है एंजल एंजिल मीन्स होती है परी सिक्सटीन है आपका स्लेवरी स्लेवरी मतलब हम कहते हैं ना ग़ुलामी कि हमें किसी की ग़ुलामी नहीं करनी चाहिए तो ये वर्ड जो है वो होता है स्लेवरी और इसका जो अपोजिट होगा वो होगा स्वतंत्र जब आप किसी की गुलामी नहीं करोगे तो डेफ़िनेटली आप क्या हो फ्री हो यानी इसके लिए हम यूज़ uh, जो वर्ड करते हैं इसका अपोजिट वो होता है लिबर्टी आई थिंक माई डियर स्टूडेंट यू ऑल आर गेटिंग अब नेक्स्ट देखिए सेवेंटीन आपका है डेंजरस डेंजरस मीन्स होता है ख़तरनाक और इसका मीनिंग होता है सेफ सुरक्षित नाउ फिर है आपका एजुकेटेड एजुकेटेड मतलब होता है शिक्षित कि वो बहुत एजुकेटेड है शिक्षित हैं और इसका जो अपोजिट क्या हो जाएगा वो हो जाएगा अशिक्षित जिसे क्या कहते हैं इलिटरेट ओके फिर है आपका हाइडियस हाइडियस मीन्स होता है भयानक या भयंकर इसका हो जाता है ब्यूटिफुल फिर आपका लिंक हम कहते हैं ना आपने लिंकिंग वगैरह भी पढ़ा होगा तो ये होता है जोड़ना या लिंक करो आप किसी चीज़ को कहते हैं ना इसको लिंक कर दो इसमें तो जोड़ना होता है अब लिंक करेंगे तो जोड़ना और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा अलग करना डेफिनेटली तो आप कहेंगे सेपरेड अब आता है नैरो हम कहते हैं ना ये स्ट्रीट ये जो गली है वो बहुत ही नैरो है संकुचित है मतलब कि बहुत छोटी सी है और बहुत पतली सी है नैरो है अब वही चीज़ कोई जो रोड है हम कहते हैं ना काफ़ी ये रोड जो है वो काफ़ी क्या है ब्रॉड है ब्रॉड मीन्स होती है बड़ी फैली हुई मतलब तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा नैरो का ब्रॉड फिर आपका है नोटी नोटी तो मीन्स आपको सबको ही पता है कि इज़ वेरी नोटी वो बहु हम डेली लाइफ में भी हम ये वर्ड बहुत बार यूज़ करते हैं नोटी क्या होता है नटखट और इसका क्या हो जाएगा वो बहुत ही अपोजिट इसका हो जाएगा डिसेंट है वो कितना डिसेंट लड़का है कितना अच्छा है ठीक है या उदार है फिर आपका है नीट नीट का तो आपको पता ही है साफ़ और इसका क्या हो जाता है अनटाइडी अनटाइडी मतलब क्या होता है अस्वच्छ मतलब साफ नहीं है है ना तो अब आप देखिए जैसे जैसे हम कहते हैं ना अनटाइट जैसे ही लुकड स्ट्रेंजली अनटाइडी वो बहुत ही अनटाइडी अजीब सा अनटाइडी दिख रहा था मतलब बहुत ही गंदा अस अच्छे सा दिख रहा था वैसे ही जैसे हम कहते हैं ना जैसे अभी मैं आपको बताऊँ जैसे हम डिसेंट हैं हम कहते हैं ना बहुत ही डिसेंट है या जैसे हम कहें राकेश सीम्स टू बी डिसेंट स्टूडेंट्स वो बहुत ही डिसेंट स्टूडेंट दिखाई देता है हमें और तो ये सब क्या है वो ये व... इसी के हम वर्ड्स भी मनाते हैं फिर आप देखिए पैराडाइज पैराडाइज कहते हैं ना हम स्वर्ग वाह आपका तो घर कितना सुंदर लग रहा है हम कहते हैं ना कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं स्वर्ग में हूँ यानी पैराडाइज़ वर्ड यूज़ करते हैं हम उसके लिए और नरक मतलब जैसे बहुत ही गंदी जगह है या फिर हम कहते हैं ना गो टू हेल कभी किसी को कहते हैं आप लोग वैसे कहना नहीं चाहिए ऐसा लेकिन कहते हैं कभी कभी बहुत से लोग कि गो टू हेल नरक जाओ नरक में जाओ मतलब कि तुम तो इतने बुरे हो ठीक है फिर है रियल रियल का मतलब आपको पता ही है वास्तविक रियल में हमारी लाइफ में ऐसा हुआ या रियली हम ऐसा करते हैं ठीक है इसका रियल मतलब होता है वास्तविक तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो काल्पनिक होगा यानी इमेजनरी हो जाएगा अब देखिए वेक वेक मतलब सभी को पता है जागन, जागना जागना कि जैसे आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग या कुछ भी पता ही है आपको वीक स्लीप क्या होता है स्लीप मतलब सोना वेक अपोजिट हो जाएगा अब आता है ना वर्क वर्क मीन्स होता है काम करना कि मैं वर्क करता हूँ आपको पता ही है जैसे आप कहते हैं कि आज मैंने ये वर्क किया माय मदर गिव मी दिस वर्क एंड आई डिड इट कम्प्लीटली या कुछ भी मैंने इसे पूरा किया फिर है इसका जो अपोज़िट क्या हो जाएगा एक तो वर्क होता है कार्य करना इसका जो उल्टा हो जाएगा खाली मतलब जब कार्य नहीं करोगे तो खाली हुए ना उसके लिए जो वर्ड यूज़ होगा उसके लिए हम कहते हैं लेज़र है ना हम क्या कहते हैं लेज़र तो इसका क्या होता है जैसा हम कहते हैं ना कि ड्यूरिंग माई लेज़र टाइम आई एंजॉय रीडिंग यानी मैं अपने खाली टाइम में क्या करता हूँ मुझे आ, रीडिंग करने में मज़ा आता है आई एंजॉय रीडिंग टफ़ मीन्स क्या होता है बहुत ही कठिन आप कहते हैं ये बहुत टफ क्वेश्चन है कहते हैं ना या टफ़ और चीज़ों के लिए भी यूज होता है ईजी मतलब बहुत ही सरल सा और इसके बाद देखिए रेक्टिफाई मतलब होता है हम समाधान करना किसी चीज़ का रेक्टिफाई करते हैं किसी गलती हो गई तो उसको रेक्टिफाई करेंगे उसके बाद हम इसको कहते हैं ये तो हमारा हुआ समाधान करना रेक्टिफाई करो किसी चीज़ को और नहीं तो डैमेज करो ख़त्म कर दो इसको एंड कर दो है ना इसका पॉजिटिव हो जाएगा डैमेज अब आप आपका है पेनाल्टी पेनाल्टी में मतलब होता है ना किसी को दंड देना हम कहते हैं ना अरे भाई ये पेनाल्टी आपको इसकी पेनाल्टी लगेगी कहते हैं यानी दंड लगेगा आपको आपने ये गलत किया है अब रिवॉर्ड तो आप सबको पता ही है रिवॉर्ड्स की आ, क्या होता है कि जैसे हम कहते हैं ना आ, विल यू काइंड विल यू काइंडली गिव मी द रिवॉर्ड यू प्रोमिस्ड देखो आप आप मुझे रिवॉर्ड दोगे क्योंकि आपने मुझे प्रॉमिस किया था है ना तो ये भी क्या है रिवॉर्ड मतलब होता है इनाम ऑफन मतलब क्या होता है अक्सर ये आपको पता है कि आई ऑफ़न डू दिस वॉक या आई ऑफन यूज टू प्ले प्लेम आई आई ऑफ़न रीडिंग या कुछ भी आई ऑफन कुछ भी ठीक है आ जैसे मैं प्राय मैं ये ही करता हूँ और सेल्डम इसका अपोजिट जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा सेल्डम सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार ऑफन तो अक्सर होता है अक्सर मैं घूमने जाता हूँ अक्सर मैं म्यूज़िक सुनता हूँ कुछ भी ना तो वैसे ही कभी कभार सेल्डम मीन्स क्या होता है कभी कभार जैसे हम कहते हैं ना थिंग्स आर सेल्डम दे सीम्स हम कहते हैं यानी कभी कभी जो चीज़ें होती हैं ना वो कभी कभार दिखती हैं ऐसी और होती नहीं है लेकिन इसका मतलब ये होता है सेल्डम ओके मैरी मतलब हसमुख है वो काफ़ी मैरी है यानी हसमुख स्वभाव का है उसका जो नेचर है वो काफ़ी क्या है मैरी नेचर का है वो सैड यानी दुखी जो हमेशा दुखी रहता है फिर आपका है इनोसेंस इनोसेंस क्या होता है निर्दोष बहुत ही इनोसेंस है वो बहुत ही निर्दोष है उसे कुछ नहीं पता उसका कोई भी गलती नहीं है और वैसे क्या हो जाएगा गिल्ट अब गिल्ट क्या हो जाएगा मतलब कि कसूर कसूरवार है वो या दोष या फिर कसूर जैसे हम कहते हैं वी हैव नो प्रूफ ऑफ आर गिल्ट यानी हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है उसके गिल्ट का उसके अपराध का या उसके दोष का तो वो क्या है निर्दोष है आई थिंक माई डियर स्टूडेंट आपको ये सारे एंटेनियम समझ में आ गए हैं बिकॉज मैंने इसकी सारी हिंदी मीनिंग्स भी आपको दी हैं बस आपको सिर्फ इसको रिवाइज़ करना है ओके माय डियर स्टूडेंट सो टेक केयर बाय देन और आपको नेक्स्ट वीडियो आपका मैं स्टार्ट करूँगी तो अभी आप फ़िलहाल इसको कॉपी वर्क भी प्लीज़ इसे कॉपी में भी करें और आपको इसे लर्न भी करना है ओके माय डियर स्टूडेंट और प्लीज़ अपना ध्यान भी रखें एंड ये आज आज का आपका लास्ट वर्क है एंटीनियम्स आपका कंप्लीट हो चुका है ओके okay?